नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत दिन से कमेंट्स आ रहा था, सर विजय किडे जी के एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करिए जिस कंपनी फ्यूचर में एक मल्टीबेगा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो विजय किडे जी को आप सब लोग जानते ही है, क्योंकि इस व्यक्ति ने जिस तरीके से खुद के पोर्टफोलियो को क्रिएट किए और जिस तरीके से उन्होंने मार्केट में एक अलग लेवल का पहचान बनाया, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा देखता हूँ, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में जितने सारे कंपनीज है वो सारे के सारे स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी है। तो स्मॉल एंड माइक्रो कैप टाइप एंड मीडियम टाइप कंपनी है, किसी भी लार्ज कैप टाइप कंपनी उनके पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिलेगा। तो उनमें से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, छोटा सा कंपनी है फिर भी उसका दम है आगे बढ़ने का, क्योंकि एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है, उनके ऊपर विजय किडे जी ने अच्छा खासा निवेश करके रखे है। तो चलो अभी देख लेते हैं इस कंपनी के ऊपर विजय किडे जी के पास कितने होल्डिंग्स है। सबसे पहले वो होल्डिंग्स लेवल में आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे तो इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है, आप देखेंगे वहां पे आप देख सकते विजय किडे जी, उनके नाम देखने को मिलेगा। 2023 के एंड में, मतलब इस सालों के एंड में दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने 2% तक होल्डिंग को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, जो पहले कितना था 1.95% के आसपास। उसके साथ साथ और एक बड़े प्लेयर्स इस कंपनी के ऊपर भी एंट्री कर चुके हैं, एंट्री कंटिन्यू कर रहा है, उसका नाम है अशोक कचोलिया जी। तो अशोक कचोलिया जी के पास भी 1.21% के आसपास होल्डिंग है। इसके मतलब दो बड़े महारथी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंपनी कौन सा है, सबसे पहले मैं बता दूं कंपनी का नाम है वीवो ग्लोबल। ठीक है, वीवो ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है, मेरे हिसाब से इस फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ हमेशा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और इस कंपनी के ऊपर 100% का गेन मिलने का चांसेस है। देखिए मेरा 100% का गेन मेरा खुद का टारगेट है, मैं क्यों टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली विजय किडे जी ने क्यों होल्डिंग बढ़ाया और अशोक कचोलिया जी भी क्यों कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि इतने बड़ा बिग क्रैश होने के बाद भी इस कंपनी फिर से 100% गेन कहां से दे सकते हैं। देखिए कंपनी के सबसे पहले बिजनेस को समझ लीजिए, कंपनी का ज्वेलरी का बिजनेस है, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, साथ ही साथ कंपनी का देखा जाए तो जेम्स ज्वेलरी इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का मेनली बिजनेस है। तो देखा जाए तो कंपनी एक ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर ही कंपनी का नाम देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ कंपनी कॉस्मेटिक्स के भी कंपनी बेचते हैं, तो सारे चीजों को कंपनी बेचते हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि कंपनी बेच कहाँ रहा है, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ पे बेचा जा रहा है। देखिए कंपनी का जो मेनली प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, उसके बाद यूके में, उसके बाद जर्मनी में। अगर मैं यूएस के बारे में चर्चा करूं तो यूएस के जो रिसेशन है उसका हालत थोड़ा सा खराब हुआ था, अभी धीरे धीरे करके रिकवरी भी हो रहा है, क्योंकि एक अपडेट में गूगल में सर्च किया था, मुझे इस तरीके से अपडेट मिला। देखिए कंपनी का जो 2023 में जो क्वार्टर आया था फर्स्ट क्वार्टर, उसमें कंपनी का जो ग्रोथ है वो 3.3% के आसपास हुआ था, अभी वो ग्रोथ धीरे धीरे करके 4.9% के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी लगातार खुद की ग्रोथ को कंटिन्यू लगातार खुद के ग्रोथ को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी एक चीज को ध्यान देना कि कोई भी कंट्री में अगर खुद का इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिले, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी अगर चला जाए तो लोग क्या लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे, बिल्कुल नहीं ना। आज मान के चलिए इंडिया एक इकोनॉमिकली हाई ग्रोथेबल कंट्री बन रहा है, तो उस कारण की वजह से हर लोग गाड़ी खरीदारी कर रहे हैं, घर खरीदारी कर रहे हैं, ज्वेलरी लग्जरीज प्रोडक्ट सब कुछ खरीदारी कर पा रहे हैं। अगर मान के चलिए इकोनॉमिकली क्राइसिस अगर खराब हो जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले और लोगों का जॉब नहीं रहा, तो क्या वो इस तरीके से प्रोडक्ट्स खरीदारी करेंगे। तो इतने दिनों में जो बिग क्रैश देखने को मिला था वीवो ग्लोबल के ऊपर, वो यही एक रीजन था। अभी वो रीजन धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होता हुआ देखने को मिले, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए आपको स्टडी करना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा आपको स्टडी करके काम करना चाहिए। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर एक चीज के बारे में बता दूं, कंपनी सोर्सेस जो है, कंपनी कहाँ कहाँ से प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, यहाँ पे इंडिया है, चाइना है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, तंजानिया, रशिया, मोरक्को, साथ ही साथ और भी देखिए कितने कंट्रीज के नाम आपको पढ़ते पढ़ते आपको टाइम बहुत लग जाएगा। ये श्रीलंका है, यूएस है, यूके है, जापान है, चाइना है, तो कोई भी एक कंट्रीज को नहीं छोड़ा जहां से कंपनी सोर्सेस नहीं ले रहा है। तो हर कंट्रीज के ऊपर यहाँ पे देखिए जो मार्किंग किया गया ना वो इसका सोर्सेस पॉइंट है, तो यहाँ से सोर्सेस लेकर कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में बेच रहा है। अभी चलो कंपनी कहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहा है वो भी देख लेते हैं। देखिए कंपनी यूएस में 66% प्रोडक्ट को बेच रहा है, यूके में कितना 27% और जर्मनी में कितना 7%। और कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो ज्वेलरी के ऊपर है, 73% ज्वेलरी का बिजनेस है और बाकी जो एक्सेसरीज है, कॉस्मेटिक्स है, उसके ऊपर 27% के आसपास।
और मजेदार बात यही है कि कंपनी जो मतलब टीवी सेल्स है, मतलब कंपनी टीवी सेल्स में 61% और ई कॉमर्स वेबसाइट से कंपनी 39% बिजनेस कर रहा है। मतलब कंपनी के जो आधा से बिजनेस है उनमें से कंपनी टीवी सेल्स कर रहा है 61% और ई कॉमर्स का जो बिजनेस है उसका, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है जिसके माध्यम से कंपनी प्रोडक्ट बेच रहा है वो 39% के आसपास है। और बिजनेस तो जहाँ पे चल रहा है वो तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। तो कंपनीज के ऊपर अभी एक चीज और भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो है कंपनी का ग्रोथ। अभी ग्रोथ के बारे में चर्चा करूँ, देखिए कंपनी का आरओई अभी इस साल में थोड़ा सा खराब देखने को मिला क्योंकि शेयर में इतना बड़ा करेक्शन हुआ था, तो आरओई तो करेक्शन होगा ही। तो बाकी देखिए 5 साल में तो बहुत शानदार है, 3 साल में भी बहुत शानदार है। उसी तरीके से अगर आरओसी देखेंगे तो यहाँ पे 25%, 23%, 12% के आसपास देखने को मिला, एक अलग लेवल का ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला है। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ तो मार्जिन उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है क्योंकि पहले ही बोल चुका हूँ जिस कंट्रीज को प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उस सारे कंट्रीज के अभी रिसेशन के कारण, इकोनॉमिकली क्राइसिस के कारण एक प्रेशर राइज है। बाकी देखिए इस कंपनी का डेप्थ 1 रुपया भी नहीं है, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है, बिग पॉइंट है, इस पॉइंट को जरूर आपको नोटिस करना होगा। अभी देखिए सबसे पहले मैं कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूंगा, तो कंपनी के रिजर्व देखिए हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि कंपनी का एक भी साल में रिजर्व में कुछ कमियां देखने को नहीं मिल कमियां देखने को मिलेगा, कंटिन्यूअसली खुद का रिजर्व बढ़ते चले जा रहे हैं। कंपनी का बोरिंग्स वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और उसके साथ साथ कंपनी के जो मतलब CWIP है उसके ऊपर भी कंपनी अच्छा खासा CWIP ग्रोथ करते चले जा रहा है। मतलब कंपनी बिजनेस के ऊपर धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, एक प्लस पॉइंट है कंपनीज के लिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए ट्रेड्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए ट्रेड्स जो रिसीवेबल मतलब कंपनी का जो प्रोजेक्ट मिला इस बार कंपनी का हाइस्ट प्रोजेक्ट मिला, आज तक की हाइस्ट कंपनी का प्रोजेक्ट मिला। और सबसे मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टर बेसिस में देखेंगे तो इस बार कंपनी का सबसे हाइस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। तो ध्यान दीजिएगा इस चीजों को, क्यों मैं बता रहा हूँ, जो कंपनी का ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो कंपनी में हाइस्ट प्रॉफिट देखने को मिले और उसका फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है और उस कंपनी अगर 60% करेक्शन हो चुके हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई कंपनी अगर इस क्वार्टर में हाइस्ट प्रॉफिट जेनरेट किया और आज तक की जितने सारे क्वार्टर गया उसको सारे बीट करके हाइस्ट प्रॉफिट जेनरेट किया और 60% करेक्शन हुआ है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बाइंग करने का और वहां से एक बहुत बड़ा तगड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। देखिए मैं आपको इस कंपनी के ऊपर कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से काम करता हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैंने एंट्री कहाँ पे लिया वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी एक भी टाइम ऐसे नहीं गया कि कंपनी लॉसेस की, कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया और इस बार कंपनी लास्ट 2 साल में कंपनी 47% के आसपास प्रॉफिट भी जनरेट किया। और प्रॉफिट एंड लॉस साल भर की बात करूं तो कंपनी लगातार प्रॉफिट को भी मेंटेन कर रहा है, तो बेस्ट तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर्स से लेकर FSDs पब्लिक हर किसी के पास इसका इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए कंपनी अगर बेकार होता तो क्या FS इसके ऊपर इतना ज्यादा क्वांटिटी ऐड करता, बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। DS के पास क्या होल्डिंग रहते, बिल्कुल नहीं। पब्लिक के पास तो जो होल्डिंग है मैं पहले बोल चुका हूँ, इसमें दो बड़े महारथी है विजय कीड़े जी और अशोक कचोलिया जी, तो दोनों व्यक्ति ने अच्छा खासा होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है। ये सारे पॉइंट्स मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो बड़े से बड़े प्लेयर जो इन्वेस्ट करते हैं क्यों करते हैं और क्यों उसके ऊपर टिके हुए रह चुके हैं वो ही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको जानने का मौका मिले कि इस कंपनी के ऊपर जब भी कोई इस तरीके से कंपनीज के ऊपर जब भी कोई मौका मिले तो किस तरीके से एनालिसिस करके काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स आपको इजी तरीके से समझ में आ चुके हैं। चलो अभी देख लेते हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया आपको कि अगर किसी कंपनी हायर लेवल से डाउन लेवल तक देखू तो 60% अगर क्रैश हुआ, देखिए ऑलमोस्ट कितना क्रैश हुआ था, 70% क्रैश हो चुके थे। इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से अपॉर्चुनिटी बना, तो मेरे हिसाब से एक बिग अपॉर्चुनिटी अभी भी करंट प्राइस से है। करंट प्राइस से अगर मैं टॉप तक देखू तो 100% का गेन है, 100%। तो कंपनी के ऊपर 100% गेन मुझे मिलने के चांसेस है। देखिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं है, मगर जिस तरीके से परफॉर्मेंस मैं स्टडी किया हूँ और इस तरीके से प्रीवियस कंपनीज के ऊपर मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि हाँ इस तरीके से कंपनी से प्रॉफिट बन सकता है। तो प्लीज रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए, आप प्लीज स्टडी करके काम करिए क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। आपको काम करना है तो प्लीज सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ जाते जाते एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नितिन एक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।